खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, राज्य स्तरीय चतुर गुलदाउदी प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता 2019 दिनांक 30 नवंबर एवं 1 दिसंबर को शासकीय गुलाब उद्यान में लगाई गई। यह आयोजन मध्य प्रदेश राज्य सोसाइटी भोपाल द्वारा संचालित किया गया। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के पुष्प प्रेमियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में जिन प्रतियोगियों ने भाग लिया उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। प्रदर्शनी सचिव शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि यह प्रदर्शनी का 6वां साल है। 15 साल पहले बहुत सी सेवंतियां लगाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्हें नहीं लगाया जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि सेवंती एक ऐसा फूल है जो विभिन्न कलर्स और विभिन्न आकार में होता है। फूलों को कैसे लगाया जाए और किन मिट्टी में लगाया जाए, यह प्रदर्शनी में बताया गया। वहीं उन्होंने फूलों का महत्व बताते हुए कहा कि हम फूलों से भगवान की पूजा करते हैं और फूलों से घर की साज सज्जा भी की जाती है। शादी समारोह में भी फूलों का महत्व है। इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर से फूलों के प्रेमियों ने भाग लिया। वहीं श्रीमती सम्मी हरीश ने बताया कि जनवरी में फूलों का राजा गुलाब की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अध्यक्ष डॉक्टर एम कालीदुरई, संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, सह अध्यक्ष एसएस गद्रे, अध्यक्ष मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी, उपाध्यक्ष आईडी पटेल, संयुक्त संचालक उद्यानिकी सचिव शैलेंद्र अग्रवाल, सह सचिव आर के रावत, सदस्य श्रीमती शम्मी हरीश, एस सुधाकर, शमीम रसीद खान एवं समस्त पदाधिकारी गण मौजूद रहे। भोपाल शहर में ये हमारी प्रदर्शनी का 6वां साल है। 15 साल पहले तक खूब सेवंती लगाई जाती थी, बीच में किन्हीं कारणवश ये ख़त्म हो गई। फिर इसको शुरुआत की, कारण इसलिए कि ये एक ऐसा फूल है जो विभिन्न कलरों में, विभिन्न आकार में, विभिन्न प्रकार में लोगों को देखने को मिलता है। इस कंक्रीट के बढ़ते हुए जंगल में हम चाहते हैं कि लोग अपने छोटे छोटे घरों में भी यदि 2-4 गमलों में भी पौधे उगाएंगे तो इस पर्यावरण के प्रति उनका नज़रिया बदलेगा, वो पर्यावरण को अच्छा करेंगे। आए दिन हम ये देखने को आ रहा है, समाचारों में सुना जा रहा है कि पॉल्यूशन, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, तो ये छोटी छोटी सी हेल्प भी इस शहर के पर्यावरण को अच्छा रखेंगे। भोपाल को शहरों का ताल तो कहा ही जाता है, साथ ही ये बाग बगीचों का भी शहर है। इसके लिए पुष्प प्रेमी जितनी अच्छी मेहनत करके इस फूलों को यहाँ पर पूरे भोपाल शहर की जनता के लिए दिखाते लाते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, उनका बहुत सहयोग इस पर्यावरण का। प्रदर्शनी आज अभी शाम को 4 बजे से शुरू हो रही है, ये आज रात को 9 बजे तक चलती रहेगी और कल भी सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ये प्रदर्शनी जनता के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। धन्यवाद जी। आज यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया है किस? जी, हम सेवंती का एग्जीबिशन लगा है। आज 4 बजे इनॉग्रेशन हो गया, आज और कल मिलेगा सबको देखने के लिए। और ये हर साल लगता है, ये सेवंती का अभी 6 साल से कंटिन्यूस लगा रहा। और हम लोग के ये में सबको पौधों के बारे में बता दो और पौधों को सबको उसके अंदर का चीज़ें बता देते हैं। और इधर हम लोग स्टॉल भी लगा हुआ है, जिसको पौधा चाहिए उन लोगों को ले सकता है, उसका प्राइस देना पड़ेगा। हाँ, प्राइस देना पड़ेगा। पौधों के बारे में भी हम बता देते, जानकारी दे देते। और हम लोगों को प्रदर्शनी बहुत अच्छे से चलते हर साल। और गुलाब का भी लगने वाला है? हाँ, गुलाब का जनवरी 4 और 5 तारीख को। आपको नाम बता दीजिए। मेरा नाम शम्मी हरीश है, मैं एमबी रोज सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेम्बर। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।